अनुप्रस्थ वेग ट्रांसफर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसको आर थीटा डॉट के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यह अनुप्रस्थ त्वरण रेडिकल ट्रांसफर एक्सीलरेशन, और यह त्वरण डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूले एक एक नंबर के पूछ लेते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण आर थीटा डबल डॉट का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, टू आर डॉट थीटा डॉट, इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये वेग रेडिकल वेलोसिटी आर डॉट इज इक्वल टू जीरो, अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट यही चीज है, आर इक्वल टू अगर ए हो तो ए थीटा डॉट भी कहते हैं। आर का मतलब हो गया यहाँ पे वृत्त का कंसेप्ट, ठीक है। ये कह रहा है किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर और म्यू थीटा स्क्वायर है, तो सिद्ध करो कि उसके पथ का समीकरण ये है, ठीक है। तथा प्रश्न में हमें ये दे रखा है इसके अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना और अनुप्रस्थ अरीय त्वरण भी ज्ञात करना है। ये कह रहा है प्रश्न में हमें कि अरीय वेग ये है इसका और अनुप्रस्थ वेग ये है, तो इसका डबल डेरिवेटिव और इसका भी डबल डेरिवेटिव ज्ञात करके हम इसका अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आर और थीटा में रिलेशन बनाना होगा। तो एक में दो का क्या लगा दे भाग, समीकरण एक में दो का भाग लगाए तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है, इसको सॉल्व करें तो ये कंडीशन बनती है हमारे पास में। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इस कंडीशन का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास सिचुएशन क्या आती है, लैम्डा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस सी। ये जो सी वन है ये क्या है, हमारा अचरांक है, इसी का ये फॉर्म है। अब इसका त्वरण ज्ञात करना है हमें, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर ये कंसेप्ट आ गया, ये वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी। तो आर ये त्वरण इस फॉर्मूले को जो पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, उसमें ये सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, ये हमारे पास आर ये त्वरण आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है एक कण समान कोणीय सर्पिल आर इक्वल टू ए की पावर एम थीटा में समान चाल से चलता है, इसका अरीय अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में पथ दे रखा है, इसका अवकलन कर दो। फिर कण की चाल का फॉर्मूला हमारे पास है, यानी वेग का परिमाण आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व करें थोड़ा तो हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है, आर डॉट स्क्वायर आर डॉट कॉमन आ गया। ये जो है इसको हमने क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट अचर मान लिया, जिसको हमने लैम्डा दे दी वैल्यू, ठीक है। यहाँ कण की चाल अचर है तो लैम्डा आर डॉट इज इक्वल टू सी मान लिया हमने, तो अरीय वेग क्या होगा हमारे पास में, आर डॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, समीकरण किससे, तीन से। इसका डबल अवकलन करें तो ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। फिर अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट, थीटा डॉट यानी थीटा डॉट की वैल्यू हम वैल्यू पुट करें तो आर डॉट अपॉन क्या होगा एम, इक्वेशन टू से, सी अपॉन लैम्डा एम, समीकरण तीन से। फिर अरीय त्वरण, अरीय त्वरण का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में इसका अवकलन करेंगे तो जीरो होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थ्री के अकॉर्डिंग, फिर ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसी प्रकार हम अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर ये हमारे पास आएगा अनुप्रस्थ त्वरण। तो इस टॉपिक में हमारे पास अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय वेग, अरीय त्वरण, इनकी परिभाषा है और इस तरह के एक आधे क्वेश्चन हमें आने चाहिए, ठीक है। स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग, टेंजेंटिकल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। ये कह रहा है कोई पॉइंट पी से क्यू तक क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, एस से यानी एस प्लस डेल एस, और एंगल में क्या परिवर्तन आएगा, साई प्लस डेल साई से साई प्लस डेल से, ये इस बिंदु पर क्या एक लंब है, ठीक है। और वही हमारा जो आर थीटा था उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एस और साई हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा, डी एस अपॉन डी टी, क्योंकि एस में टी के रेस्पेक्ट होगा, क्योंकि वो टी से क्या होगा, टी प्लस डेल टी में विस्थापित होगा, परिवर्तित होगा, तो समय हमारा ये लगेगा। तो स्पर्श रेखीय वेग क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, ये हमारा पथ है ए से लेकर बी तक, यहां से यहाँ पी, ए से पी तक एस, और पी से यहाँ जाए तो एस प्लस डेल एस, यहां से यहां तक एंगल साई बन रहा है। जब वो आगे जाएगा तो इस स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग इसका वेग भी वी से डेल भी हो जाएगा और एंगल भी साई से डेल साई हो जाएगा। तो स्पर्श रेखीय वेग तो क्या होगा इसका, डी एस अपॉन डी टी, और अभिलंबिक वेग हमेशा पी पर क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है
कि अगर स्पर्श रेखा के वेग डीएस अपॉन डीटी है तो उसका अभिलंबिक वेग क्या होगा, ऑलवेज जीरो। फिर आती है बात स्पर्श रेखा के त्वरण की और अभिलंबिक त्वरण की, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पर्श रेखा के त्वरण को, डीवी अपॉन डीटी या डी स्क्वायर एस अपॉन डीटी स्क्वायर, या इसको वी डीवी अपॉन डीएस भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंबिक त्वरण का मतलब होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, पी का मतलब यहाँ क्या है, पी यानी रो जिसे हम कहते हैं, डी एस अपॉन डी साई, एंगल में परिवर्तन हो रही है, एंगल के रेस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है।